धान का सीजन शुरू होते ही हरियाणा की कैथल अनाज मंडी में आवक शुरू हो गई है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार 500 से 600 रुपए ज्यादा भाव किसानों को मिल रहे हैं। पिछले साल जहां 2900 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल धान के भाव मिले थे, वहीं इस बार 3600 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा भाव 1509 के किसानों को मिल रहे हैं। 3635 रुपए प्रति क्विंटल पर भाव किसानों को इस बार देखने को मिले हैं। अच्छे भाव मिलने से किसानों के चेहरे पर रौनक है। किसानों का कहना है कि सीजन की शुरुआत में अच्छे भाव मिलने से हम काफी खुश हैं। इस बार खेतों में फसल की झाड़ भी ठीक निकल रही है। पिछले साल मिले धान के अच्छे भाव को देखते हुए इस बार 1509 किस्म का धान किसानों ने ज्यादा मात्रा में लगाया। पिछले साल दूसरी किस्मों के भाव कम मिले थे। बासमती और 1121 के भाव किसानों को उम्मीद अनुसार नहीं मिल पाए। मंडी में धान लेकर आए किसानों का कहना है कि धान की कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। 3600 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव फसल के फिलहाल उनको मिल रहे हैं। वहीं पीआर धान की आवक मंडियों में 10 सितंबर के बाद होने की उम्मीद है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि पीआर धान की सरकारी खरीद का कार्य 20 सितंबर से शुरू किया जाए। किसानों का कहना है कि अगर 1 अक्टूबर से सरकार इसकी खरीदी का कार्य शुरू करती है तो किसानों को ज्यादा नुकसान होगा। तब तक काफी मात्रा में पीआर धान मंडियों में आ जाता है। अब खेतों में 1509 की कटाई चल रही है। कंबाइन से किसान कटाई कर मंडियों में फसल लेकर आ रहे हैं। वहीं पिछले हफ्ते मौसम में बदलाव के बाद किसानों के चेहरे पर चिंता भी सताने लगी थी कि अगर मौसम खराब हो गया तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। नई अनाज मंडी एसोसिएशन की माने तो मंडी में धान का सीजन शुरू हो चुका है। 1509 धान की आवक इस समय देखने को मिल रही है और किसानों को भाव भी अच्छा मिल रहा है और जल्द ही पीआर धान की आवक भी मंडी में शुरू होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।